काफी बढ़िया तरीके से बिल्कुल सेंटर पोजीशन पे यू नो उन्होंने अपना पोजीशन होल्ड रखा है बट आई गेस एक्सीड के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना पड़ेगा यू you नो know, इनका जो जर्नी रहा है काफी ज्यादा काबिल तारीफ एंड ऑलरेडी ई आई एस जीत के आ रहे हैं अगर ई आई एस के बारे में आपको नहीं पता है ई स्पोर्ट्स बोल्ड के एक चैनल है आप जाके उनके वीडियोज कर सकते हो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन जरूर से डाल दूंगा एंड आपके भाई ने उन मैचेस को कास्ट भी किया था सो आई गेस यहाँ पे मैं एनालाइज करना चाहूंगा कि जो कल से बैटल अरीना के मैचेस

कि होगा कितना ज्यादा एक डोमिनेंट फोर्स रहा है बट गिनोत्रा देखिए उनके पास जो कॉम्पोजिशन है कितना ज्यादा सटीक एम सेवेंटी जो कि ग्रेनेड लॉन्चर और यू कैन कॉल इट द बीस्ट जिससे आप एक ग्रेनेड अगर आसपास के पे जाता है तो कोई भी वहां पे बचता नहीं ध्यान रखिए कि अगर आप उस एरिया के आसपास हो तो आप खुद भी नॉकआउट हो सकते हो सो प्लीज बी केयरफुल ऑफ दैट बट गिनोतरा यहाँ पे ट्राई करेंगे यू नो आ, 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 टीम टीम आइकॉनिक आइकॉनिक की है ये जितना मुझे पता है ये दिस इज आई एस आईकॉनिक जिनके ऊपर वो ग्रेनेड फीका गया बट ज्यादा इफेक्टिविटी नहीं हुआ टीएसजी की टीम आई गेस एज यूजुअल उनका जो परफॉर्मेंस रहा है इस टूर्नामेंट में काफी ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा स्टार्टिंग में निराशाजनक क्योंकि वो रिजल्ट्स वो देखने दिखाने नहीं पाए हैं बट 4am की टीम आई गेस नई टीम है काफी तो अच्छा परफॉर्मेंस उनकी तरफ से देखने को मिला है हमें कल के टूर्नामेंट में बट जो मेन फोकस है वो एक्सटीजेट में यहां पे आप पोजीशन देख सकते हो एक्सटीजेट की टीम के पास जो एक कंपाउंड है जोन के अंदर है एंड ऊपर से टीम नंबर टू आईसी आइकॉनिक की टीम दैट इज वो यहां पे एंटरअप करने की कोशिश करेंगे बट 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 इतनी आसानी से कैसे मिस्टर जेव आईटी जो स्नाइपर स्पेशलिस्ट है एंड आई गेस मेरे तो हम बहुत ज्यादा चाहिए थे प्लेयर में कहना चाहूंगा एंड जिस तरीके का उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाया है कल के दिन में दैट वाज काबिले तारीफ बट आई गेस जो टर्निंग पॉइंट है जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस है वो अभी कुछ देर में आने वाला है एंड आई गेस एक्सीजेड ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके थे उन्होंने हॉकाई के प्लेयर्स को यहाँ पे स्पॉट किया हॉकाई के प्लेयर्स को एलिमिनेट किया जा चुका था एंड एक्सीजेट के इंद्रो यहाँ पे रुक नहीं रहे थे ऑलरेडी इंद्रो भाई के साथ एक कन्वर्सेशन हमारा हो चुका है इन द ई स्पोर्ट्स इन्विटेशन सीरीज काफ़ी ज्यादा वो फोकस्ड है एंड देश के लिए कुछ करना चाहते हैं एंड ऐसे जो यू नो माइंडसेट रखने वाले प्लेयर्स होते हैं ना काफी ज्यादा यू नो फायदेमंद होते हैं एंड वो अपने टीम को हमेशा यू नो साथ में लेके चलते हैं एंड वैसा ऑफ़ परफॉर्मेंस एंड एक टीम बॉन्ड एक्सटी में हमें देखने का मौका मिला है now, देख सकते हो यहाँ पे यो, जैसे जैसे यू नो टाइम आगे बढ़ता गया जोन अभी भी एक्सीज की टीम के पास है बट मिस्टर जय वाइटी वो बंदा रुकता नहीं है वो एक नॉन स्टॉप किलिंग मशीन है स्नाइपर पकड़ा दो उसे एंड एंट्री फ्लैगिंग भी करते काफी टैलेंटेड तो है यंग भी है एंड उनके सामने काफी बड़ा फ्यूचर भी है बट गिन्नोत्रा आई थिंक इस

लॉन्चर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये आई गेस एक अनटीम्ड बीस्ट है जिसको अगर अनलीश करने लग गए तो कोई भी टीम कोई भी प्लेयर यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किल में आ सकता है जैसे कि गिनोत्रा ने यहाँ पे किया एंड वो आपको एक आई गेस एक ट्यूटोरियल वीडियो दे रहे थे गिनोत्रा को देखे यहाँ पे दूसरे साइड से लेफ्ट हैंड साइड से किस तरीके से वो पुश कर रहे थे एंड यस yes, This was it, जहां पे टी का एक आखिरी ए एंड आइकॉनिक को यहाँ पे खत्म किया गया एंड अकेले बचे थे प्लेयर इनको भी खत्म करना एक मामूली सा बात था उनके लिए एंड एक्सटी की टीम ने काफी शानदार तरीके से यू नो बैटल बैटलिना के तीसरे मैच में उन्होंने अपना दूसरा बूया कन्फर्म किया दूसरा बुया गाइस दूसरा बुया काफी ज्यादा एक यू नो प्रोमिनेंट एंड प्रॉमिसिंग स्टार्ट दिया है एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड स्पेशली इंद्रो भाई आई थिंक जिस तरीके का हमारे साथ आपका हुआ था आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आई विश यू लक फॉर दिस टूर्नामेंट एज वेल एज योर फ्यूचर टूर्नामेंट्स एज वेल तो देखते हैं इस टूर्नामेंट में एक्सटीजेड का परफॉर्मेंस अगले मैचेस में कैसा होता है एंड एक बात खत्म नहीं हुआ है रुक जाओ थोड़ा सा अगर ऐसे कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं डो नॉट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन शेयर कीजिए एंड कॉमेंट कीजिए कौन सी टीम का एनालिसिस आप देखना चाहते हो क्योंकि आई एम